Assalamu alaikum, welcome to my channel online information. दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। सूरज जमीन के गिर्द घूमता है। अबू दहर से रिवायत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुरूब आफ्ताब के वक्त पूछा, क्या तुम्हें पता है कि सूरज गुरूब आफ्ताब के वक्त कहाँ जाता है? मैंने जवाब दिया, अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो चला जाता है, यानी रास्ते पर बढ़ता है, जब तक कि वो ख़ुद को अल्लाह के तख्त के नीचे सजदा गोह कर ले और वो दोबारा तुलू होने की इजाज़त लेता है, और फिर इजाज़त मिल जाती है, और फिर एक वक्त आएगा जब वो ख़ुद को सजदा गोह करने जा रहा होगा मगर उसका सजदा कबूल नहीं होगा, और वो अपने रास्ते पर जाने की इजाज़त मांगेगा मगर उसे इजाज़त नहीं मिलेगी, बल्कि उसे वापस जाने का हुक्म दिया जाएगा जहाँ से वो आया था, और फिर वो मगरिब से तुलू होगा। और यही अल्लाह के इस कलाम की तफसीर है, तर्जुमा, और सूरज अपने ठिकाने की तरफ चलता रहता है। ये ज़बरदस्त खबरदार का अंदाज़ा है, और वही है जिसने रात और दिन और सूरज और चाँद बनाए। सब अपने अपने चक्कर में घूम रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।